गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट रिलेशन. व्हाट इज रिलेशन बेटा? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन. सो टुडे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू रिलेशन. सो फॉर दैट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, If A is a set whose elements are 1, 2, 3, so on up to 25, R is the relation. Read very carefully, beta. R is the relation, is 1/4 of in A. Write R domain range and codomain of R. Is 1/4 mean? You know. What is the 1/4 of 8? 2. Very good. 8 multiply 1/4, that is 2. What is the 1/4 of 20? 5. Very good. 20 multiply 1/4, which is 5. तो बेटा इसमें हमने करना क्या है, जो हम रिलेशन बनाएंगे ना वो ए सेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और वो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. यहां पर ए कार्टेशियन ए लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि सेट ए में बनाना आपने. ए भी आपका ए ही सेट है और बी भी आपका ए ही सेट है. यदि हम ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करें बेटा तो बहुत हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे. 25 एलिमेंट्स इसमें है, फिर 25, तो टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें? 25 मल्टीप्लाई 25, 625 बनेंगे बेटा. इज दैट क्लियर? बट हमने उनमें से इस कंडीशन वाले ही ऑर्डर पेयर लेने हैं, क्योंकि रिलेशन में इसने क्या कहा, इज 1/4. तो बेटा ये आपका ए कोई सेट है, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 25. अब रिलेशन बनाइए, ध्यान से बनाना बेटा. इज 1/4 ऑफ मीन फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का क्या होगा, फोर्थ पार्ट होगा. इज दैट क्लियर? जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड एलिमेंट हमारा 4 बनेगा, क्योंकि 1 जो है 4 का 1/4 है. या आप ये समझ सकते हैं सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का 4 टाइम्स है. तो इसमें से लेने से बात को ध्यान रखना. तो इसके बाद देखो 1 का तो 1/4 बनेगा, इसके बाद सेकंड एलिमेंट 2 है बेटा, इसके ऑर्डर पेयर तो बहुत बनेंगे 625 कार्टेशियन प्रोडक्ट में. बट याद रखना रिलेशन क्या होता है, कुछ कंडीशन के कारण, जो कुछ कंडीशन लेकर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर पेयर ले लेते हैं. वो कंडीशन क्या है, इज 1/4 की. तो 1/4, 2 किसका 1/4 होगा, 8 का. 3 किसका 1/4 होगा, 12 का. 4 किसका 1/4 होगा, 16 का. 5 20 का. 6 25 का. 7 28 का. बट यू नो 28 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. सो बेटा सिर्फ यही आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे इस रिलेशन में. तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये आपका रिलेशन बनता है. इसके बाद इसने पूछा डोमेन, यानी डोमेन क्या बनेगा इसका, रेंज क्या बनेगा और कोडोमेन. बेटा यदि किसी ने रिलेशन से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है उसको अच्छे से देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखिए. तो ये सारी डेफिनेशन मैंने वहाँ आपको समझा रखी है, तो यदि अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ताकि वो क्लियर हो जाए. डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन आर. यानी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है ना उनके फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर जो सेट बनेगा वो डोमेन होता है. तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है. तो बेटा ये आपकी डोमेन है. रेंज, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन. डोमेन तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट का सेट रिलेशन में जितने बॉर्डर पेयर उनका, और रेंज
सेकंड एलिमेंट्स का सेट बेटा जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन से बेटा, 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। इज दैट क्लियर? एंड कोडोमेन इज कंप्लीटली सेट बी। अगर कार्टिजन प्रोडक्ट ए और बी की करते हैं तो जो बी सेट होता है कंप्लीट सेट आपका कोडोमेन होता है। यहां पर हम ए कार्टिजन ए यानी ए में से ले रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड सेट भी हमारा क्या है, ए है। तो कोडोमेन आपका जो कंप्लीट सेट ए है, ए यहां पर सेकंड सेट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, वो आपका कोडोमेन है। इज दैट क्लियर? इसी में यदि इनवर्स और निकालना सीख लें बेटा आप, इनवर्स इनवर्स कैसे निकलेगा, इनवर्स की डेफिनेशन मैं फिर बता देता हूं आप उनको। डेफिनेशन वाला जो मैंने लेक्चर लिया हुआ उसको अच्छे से एक बार दोबारा देखिए, उसको समझिए। इनवर्स क्या होता है, जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है उनका उल्टा लेते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स इफ बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो आर में है उसका उल्टा हम किस में लेते हैं, इनवर्स में। तो 4-1 होगा, इसके बाद 8-2 होगा, नेक्स्ट हमारा 12-3 होगा, 16-4 होगा, 25 होगा और 24-6 होगा। तो इस प्रकार बेटा हमें क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स भी निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। आर क्लियर है? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, रेंज सेकंड एलिमेंट्स का सेट जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, कोडोमेन सेकंड सेट होता है, जैसे एक कार्टिजन बी है तो बी, यहाँ पर एक कार्टिजन ए है तो ए बनेगा हमारा, और इनवर्स क्या होता है, जितने भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं उनके उल्टे ले लेंगे तो वो इनवर्स होता है हमारा। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखना बेटा, ये भी बहुत ईजी है, बस आपको ना रिलेशन की कंडीशन देखनी है उसमें क्या है। इसमें जो सेट है उसमें एलिमेंट है बेटा 1, 2, 3, 4 अप टू 45, यानी 1 से लेकर 45 तक। तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे किसी भी कार्टिजन प्रोडक्ट में, एक कार्टिजन ए में 45 एलिमेंट्स है ना, तो 45 की 45 से मल्टीप्लाई करके देख लेना वो टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे किसमें, एक कार्टिजन ए में। बट इसको ध्यान से देखिए, आर इज द रिलेशन इज स्केयर ऑफ, यानी स्केयर है आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का बेटा स्केयर है। अच्छा बताओ भी तो 16 किसका स्केयर होता है, सोचो 4 का, तो 16.4 एक ऑर्डर पेयर हम ले सकते हैं। 100 किसका स्केयर होता है, 10 का, तो 110। तो इस प्रकार के हमने ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का क्या हो, स्केयर हो। तो अभी सोचिए ध्यान से, आर बनाते हैं, 1 किसका स्केयर होता है, 1 का, तो 1 लेंगे। देखो 1 के बाद परफेक्ट स्केयर होता है 4, क्यों 2 अंडर रूट 2 का स्केयर होता है वैसे तो, बट इसमें जो हमारे एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 45 है, एक नेचुरल नंबर लगा सकते हैं 45 तक। तो इसके बाद 1 के बाद जो परफेक्ट स्केयर होता है वो 4 होता है, 4 किसका होता है, 2 का। 4 के बाद परफेक्ट स्केयर क्या होता है, 9, शाबाश 9, 3। 9 के बाद परफेक्ट स्केयर 16 होता है, 4, आफ्टर देन 25 होता है, 5। इज दैट क्लियर? 25 किसका होता है बेटा, 5 का स्केयर होता है, 36 6 का, 49 7 का, बट यू नो 49 इज नॉट एन एलिमेंट इन ए, सो ओनली दीज ऑर्डर पेयर्स विच आर रिलेटेड टू रिलेशन अंडर दिस कंडीशन इज स्केयर ऑफ। तो बेटा बस यही आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे। इसमें हमने 1 to 45 में से जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे एक एक के साथ वो लेने हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्केयर है। ये क्लियर हो गया आपको? इसके बाद वही डोमेन रेंज कोडोमेन और इनवर्स भी ले लेता हूं बेटा मैं। डोमेन, व्हाट इज डोमेन, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन। तो इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हैं
उनमें फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है यानी 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये जो सेट है ये डोमेन कहलाएगा। और सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनाएंगे इन ऑर्डर पेयर में से वो रेंज कहलाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कोडोमेन तो कंप्लीट सेकंड सेट होता है ना, तो इसमें ए कार्टिजन ए है इसमें भी हमारी, तो ये सेकंड सेट यानी ए आपका कोडोमेन है। और ए में एलिमेंट्स कौन से बेटा आपके 1, 2, 3 अप टू 45। और इनवर्स में क्या करते हैं, जितने भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनेंगे उनके उल्टे ले लेंगे। 1, 1, 4, 2 है तो 2, 4, 9, 3, 3, 9, 16, 4 है 4, 16 लेंगे, 5, 25 लेंगे एंड 6, 36 लेंगे। इज दैट क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बनेगा, रेंज सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनेगा जो भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, कोडोमेन कंप्लीट आपका सेकंड सेट बनेगा और इनवर्स क्या बनेगा, जितने भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं उनके उल्टे कर देंगे तो हम इनवर्स में ले लेंगे। सो स्टूडेंट्स अब इन सम्स को देखिए, दीज आर सम मोर क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू रिलेशंस। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। इन फोर क्वेश्चंस में हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले फोर्थ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a, b इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन सच दैट a बिलोंग्स टू z, b बिलोंग्स टू z, मीन बोथ a एंड b आर इंटीजर्स एंड वन गिवन कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। बेटा इस कंडीशन में हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, तो या तो यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो जाएगा, या बी की निकाल लीजिए, बी की वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस माइनस ए। मैंने बी की निकाल ली, सपोज एक्स स्केयर इज इक्वल टू 16 है बेटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4। स्केयर का जब स्केयर रूट करते हैं तो दोनों ही साइन लेते हैं प्लस माइनस, तो यहां पर जब बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर लेंगे तो ए का स्केयर रूट ए बन जाएगा ना, बट प्लस माइनस हम साइन लेंगे, तो आपका जो रिलेशन बनेगा बेटा वो रिलेशन क्या बन जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए कोमा प्लस माइनस ए वेयर ए बिलोंग्स टू जेड। इसको हमने ए में चेंज कर लिया तो हमारा ये एक रिलेशन बन गया। इज दैट क्लियर, आसान था, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर करके हमने बी की वैल्यू निकाल ली प्लस माइनस ए और इसमें पुट कर दी उठा के, ए क्या है इंटीजर है। अब यहां से हमने क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज, बहुत इजी है। अब ए क्या है, जेड है, जेड यानी इंटीजर, हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इसका मतलब डोमेन क्या है, जेड है, ऑल इंटीजर इसकी डोमेन बन गई। बी ए है ना हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये ए है इन ऑर्डर पेयर्स का, चाहे आप ए की वैल्यू कुछ भी रखिए, ए है तो इंटीजर एक्चुअल में। और आपको पता डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशंस, तो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और फर्स्ट एलिमेंट आपका ए है और ए क्या है, जेड से बिलोंग करता है, तो डोमेन क्या बनेगी, जेड। रेंज भी जेड बनेगी बेटा, रेंज भी तो जेड ही है ना, क्यों यहां भी तो ए है, ए क्या है इंटीजर, और रेंज क्या होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन, तो इसका मतलब क्या है, इसकी डोमेन और रेंज दोनों ही जेड बनेगी। इस सम को अच्छे से कर लेना, बहुत ईजी सम है। ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर था, बी को मैंने प्लस माइनस ए ले लिया, क्यों ले लिया कि उधर स्केयर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे और ए बनेगा, और यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दी, तो इस प्रकार डोमेन भी ए बन गई, ए क्या है इंटीजर यानी जेड, और रेंज भी ए बन गई वो भी इंटीजर, तो डोमेन और रेंज दोनों क्या बनेंगे बेटा, इसमें इंटीजर बनेगी। इज दैट क्लियर,
अब देखना पार्ट थर्ड, पढ़िए ध्यान से इसको, एक्स एक्स कोमा क्यूब, एक्स कोमा एक्स क्यूब, एक्स कोमा एक्स क्यूब, इस प्रकार का आपने रिलेशन बनाना है। एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? एन नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अरे एन नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 10 से लेस देन लेने ले आपने जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपने 10 से लेस देन लेने हैं। तो 10 से लेस देन प्राइम नंबर देखो कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और भी होता कोई? 9 नहीं होता बेटा, 9 जो है उसके फैक्टर 1 भी होता है, 3 भी होता है, 9 भी होता है, 3 फैक्टर बन गए। 1 नहीं होता क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर जो, मोर देन टू फैक्टर है तो कंपोजिट होता है, और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, इसलिए 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो बेटा लेस देन 10 प्राइम नंबर्स हमारे यही बनेंगे, 2, 3, 5, 7। इसमें पुट करते रहो आप इस पेयर्स में, इसमें वैल्यू पुट करते रहो, एक्स की वैल्यू पुट करो, पहले 2 रखेंगे तो 8 आएगा बेटा। देखो यहां पर एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2³ 8 बन गया। फिर 3 पुट करो, 3 पुट करेंगे तो 27 बन जाएगा, क्यों एक्स की वैल्यू 3 और क्यूब करेंगे तो 27। फिर 5 रखेंगे तो 125 आ जाएगा। कैसे आया बेटा 125? 5 यहां रखा, 5 क्यूब क्या होता 125। फिर 7 रखेंगे तो 343 आएगा, 343 कैसे आया? 7 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ली। तो इस प्रकार आपका ये एक रिलेशन बन गया, बहुत ईजी था। इस कंडीशन को देखना था हमने, एक्स क्या है लेस देन 10 और वो प्राइम नंबर है, तो लेस देन 10 प्राइम नंबर्स हमारे ये 4 होते हैं, 2, 3, 5, 7, इनमें वैल्यू पुट करते रहे। अब डोमेन और रेंज तो आप आराम से निकाल सकते हो। डोमेन क्या बनी? फर्स्ट एलिमेंट का सेट ले लीजिए, और रेंज क्या बनी बेटा? सेकंड एलिमेंट का सेट ले लेंगे तो 8, 27, 125 और 343। ईजी है। अब देखना बेटा इसका सेकेंड पार्ट, तो आप आराम से कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, कुछ ही मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना बेटा, मैथ में मेन होता है बेसिक्स और कॉन्सेप्ट। आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप मैथ में बेटा सब कुछ कर सकते हो। सेकंड पार्ट देखना, रिलेशन बनाएंगे हम, एक्स कोमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x और y बोथ आर नेचुरल नंबर, एंड नोट दीज कंडीशंस, x लेस देन 5, यू नो एन नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आर 4 नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5, एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। यानी आपने x की वैल्यू तो 5 से कम लेनी है, बट y कॉन्स्टेंट है, y फिक्स है, उसकी वैल्यू 3 ही लेनी है आपने। तो x की वैल्यू रखते रहें, y की 3 रखते रहें, तो 1, 3, 2, 3, 3, 3 एंड 4, 3 है, बिल्कुल ईजी बेटा। x को तो आपने 5 से लेस लेना था, एक नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4 हो गया, और y 3 है तो y तो कॉन्स्टेंट है, फिक्स है यहां पर, तो इसका मतलब क्या है 1, 2, 3, 4 इन 4 एलिमेंट्स के साथ आप 3 लेते रहे। तो डोमेन क्या बन गया बेटा इसकी? फर्स्ट एलिमेंट्स लीजिए 1, 2, 3, 4, और रेंज क्या बन गया बेटा इसकी आपकी? सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ओनली 3 है, इज दैट क्लियर? तो बहुत ईजी सब है ना। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स कोमा वाई, x belongs to n, y belongs to n, mean both are natural numbers and we have one condition, x plus y is equal to 10. So y is equal to 10 minus x. तो यहां से आप रिलेशन बना सकते हैं, x की वैल्यू पुट करते चले जाए। देखिए रिलेशन बनाते हैं, इस कंडीशन में पुट करेंगे, x और y नेचुरल नंबर बेटा, इसमें x की वैल्यू पुट करते चले जाएं, पहले 1 फिर 2 फिर 3,
तब तक पुट करते रहेंगे जब तक कि वाई की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आती रहे। देखिए एक्स वन पुट किया तो टेन माइनस वन नाइन, एक्स टू पुट करेंगे तो एट, थ्री पुट करेंगे तो सेवन, यहां पुट करें बेटा टेन माइनस थ्री सेवन हो गया, फोर रखेंगे तो बेटा सिक्स, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइव देन वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो फाइव, सिक्स फोर सेवन थ्री एट टू नाइन वन टेन जीरो, बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो बेटा इसमें आपने तब तक x की वैल्यू पुट करनी है जब तक कि y आपका नेचुरल नंबर रहे, ये क्लियर है ना आपको। पहले वन पुट किया फिर टू फिर थ्री फिर फोर लास्ट में नाइन तक, टेन आने से जीरो बन जाता, इलेवन रखेंगे तो माइनस वन बन जाता, यानी टेन आने से हमारा क्या बन जाता है ये जीरो बनता है y, और y जीरो है तो इसका लो नेचुरल नंबर नहीं है। तो डोमेन क्या बनी बेटा इसकी और रेंज क्या बनी इसकी, डोमेन क्या बनी जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, इज दैट क्लियर। तो बेटा ये जो फोर पार्ट थे हमारे ये चारों ही इस प्रकार के थे, अब हम कुछ सम और देखेंगे। सो बेटा रीड दिस क्वेश्चन, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25 इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25, ये कंडीशन है और ऑर्डर पे लेना है रिलेशन में। एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एंड ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखना। वी हैव अ कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या है बेटा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने करना क्या बेटा, एक कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, यहां से आप चाहें तो वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहें तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां पर वाई स्क्वायर ले लिया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, जब यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट में पता आपको प्लस माइनस हम दोनों ही साइन लेते हैं, इज दैट क्लियर। अब इस सम को हम करें कैसे, थोड़ा लंबा समय ध्यान से देखना, बहुत इजी सम है। बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू जेड, वाई भी जेड से बिलोंग करता है, एक्स भी जेड से बिलोंग करता है, तो मैंने यहां पर एक्स की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए मैंने एक्स को ले लिया यहां पर, वाई की आती रहेंगी, यदि वो इंटीजर है तो ले लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। द पॉसिबल वैल्यूज, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर 25 है और 25 होता फाइव का स्केयर, तो इसका मतलब यहां पर इसकी वैल्यू एक्स की फाइव तक हो सकती है। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या बनी बेटा अपनी, जीरो वन टू थ्री फोर। एक चीज और ध्यान रखना, ये इंटीजर्स हैं तो ये नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, तो बेटा जो एक्स की पॉसिबल वैल्यू बनेगी वो जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर और प्लस माइनस फाइव बनेगी। मैं यहां वैल्यूज निकाल रहा हूं, इसके बाद ध्यान रखना रिलेशन फिर हम नीचे बनाएंगे, ये करके दिखाना बेटा आपने, रफ वर्क नहीं कर रहा मैं, इस सम को मैं यहां ले रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते रहेंगे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। एक्स की वैल्यू हमने जीरो रखी
तो 25 बचेगा ना, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो y की वैल्यू बनी बेटा हमारी प्लस माइनस 5। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम देखें यदि तो दो ऑर्डर पेयर बन गए हमारे, जीरो के साथ 5 और जीरो के साथ माइनस 5। 5 इंटीजर है ना इंटीजर, तो इसको हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं बिलोंग्स टू जेड, ये आपका इंटीजर हम ले सकते हैं। अब लेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पुट करना बेटा इसमें, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 24 आ बेटा अपना। यहां पर x की वैल्यू मैंने 1 रखी, यदि हम प्लस माइनस दोनों रख दें क्योंकि स्क्वायर है यहां पर एक साथ ही ले लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, स्क्वायर ऑलवेज ही पॉजिटिव और 0, बट यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, तो मैंने दोनों वैल्यू साथ ही ले ली, तो यहां पर 24 आ, 24 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता, इट मींस ये आपका इंटीजर नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर हमारा नहीं बनेगा क्योंकि वाई इंटीजर नहीं आया। अब लेंगे 2 बेटा व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दोनों साथ के साथ ले लेते हैं, सो वाई इज इक्वल टू, अब 2 पुट करो बेटा यहां पर, 2 का स्क्वायर 4, 25 माइनस 4 21, ये भी इंटीजर नहीं है, इसको भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे हमें, व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, अब जब 3 रखेंगे ना बेटा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का भी स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 बना जो कि 16 आया, तो प्लस माइनस 4 आ गया बेटा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 इंटीजर होता है ना, तो ये ऑर्डर पेयर हमने लेने पड़ेंगे इन दोनों वाले, ये नहीं लेंगे बेटा क्योंकि इंटीजर नहीं थे, ये लेना पड़ेगा क्योंकि 5 हमारा इंटीजर था। बेटा अब देखो 3 और माइनस 3 2 रखे थे हमने, अब इनको ध्यान से देखना, पहले 3 के साथ बनाइए, 3 के साथ 4 लेंगे, 3 के साथ माइनस 4 भी लेंगे, ऑर्डर पेयर ध्यान से देखना, जब रिलेशन बनाएंगे वहां लिखेंगे इसमें, 3 के साथ 4 लेंगे, 3 के साथ माइनस 4 लेंगे, सिमिलरली माइनस 3 के साथ ही 4 लेंगे और माइनस 3 के साथ माइनस के 4 भी लेंगे। व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, प्लस माइनस यहां 4 रखना, द स्क्वायर ऑफ 4 16, प्लस का 4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, तो 25 माइनस 16 9 बना ना हमारा, तो प्लस माइनस क्या बेटा 3, ये भी हमारा इंटीजर है। तो बेटा इसी प्रकार यहां से भी ऑर्डर पेयर ध्यान से बनाना, पहले प्लस 4 के साथ 2 बनेंगे 3 लेकर और माइनस 3 लेकर, क्लियर है, और एक बार फिर माइनस 4 के साथ लेंगे तो माइनस 3 और प्लस 3, इस प्रकार आपने बनाने हैं। इसके बाद आपका है व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, जब प्लस माइनस 5 रखेंगे तो प्लस माइनस ये 0 बन गई ना, कैसे आई 0, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो 25 माइनस 25 0, 0 इज नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, तो सिर्फ हम 0 ही ले लेंगे। यहां से दो ऑर्डर पेयर बनेंगे 50 और माइनस 50, कुल मिलाकर ये आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे, 0 भी एक इंटीजर होता है, तो ये वाले ऑर्डर पेयर लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे। अब इस रिलेशन को बेटा मैं यहां लिख देता हूं, यहां तक क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हैं, अभी तो बेटा ये सम मैं बता देता हूं, लंबा सम है क्योंकि इस सम में कई चीजें पूछ रखी है, अभी तो हमने ऑर्डर पेयर ही फाइंड आउट किए हैं, कैसे फाइंड आउट किए आपने देख लिया, तो आर इज इक्वल टू, अब रिलेशन बनाएंगे हम, कंडीशन क्लियर थी ना आपके, जीरो रखने से प्लस माइनस 5 आया, तो 05 एंड 0-5 ऑर्डर पेयर ये बनेंगे, ये हम नहीं लेंगे। प्लस 3 के साथ 2 लीजिए, यानी 34 और 3-4, 3 के साथ दोनों लेंगे, माइनस के साथ लेंगे, माइनस 34 और माइनस 3-4, क्लियर है, एक बार प्लस 3 के साथ लिए दोनों, एक बार माइनस 3 के साथ लिए हमने, अब इसी प्रकार ये भी लेने हमने 4 के साथ लेंगे,
तो क्या लेंगे, फोर थ्री और फोर माइनस थ्री, इज दैट क्लियर। अब माइनस फोर के साथ लेंगे, माइनस फोर के साथ लेंगे तो माइनस फोर थ्री और माइनस फोर माइनस थ्री। अब फाइव के साथ लेंगे, फाइव जीरो और माइनस फाइव जीरो। तो बेटा इस प्रकार आपका ये रिलेशन बनेगा, सबको ध्यान से देखना, बहुत इजी सम है, कुछ नहीं है सम के अंदर, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर, थोड़ा इंटीजर्स पर फोकस रखना, तो आप आराम से सम कर सकते हो। इज दैट क्लियर। इसके बाद इसकी डोमेन देखना, डोमेन क्या बनेगी, जिसके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जीरो थ्री माइनस थ्री फोर माइनस फोर और फाइव और माइनस फाइव, ये डोमेन है ना। और रेंज बनी बेटा इसकी, सेकंड एलिमेंट फाइव आया है माइनस फाइव आया है, फोर माइनस फोर, फोर माइनस फोर हम ले चुके हैं, थ्री माइनस थ्री लेंगे, थ्री माइनस थ्री आ चुका है, जीरो लेंगे। ये हमारी क्या बनेगी, इसकी रेंज बनेगी। इनवर्स निकाल सकते हो इसका, यदि इनवर्स पूछे तो आर इनवर्स निकाल सकते हो आप, आर इनवर्स में क्या बन जाएंगे, फाइव जीरो माइनस फाइव जीरो फोर थ्री, यानी उल्टे ले लेंगे जितने बॉर्डर पेयर हैं। इज दैट क्लियर। तो ये हमारी डोमेन थी। इस रिलेशन को बनाते समय ध्यान रखना बेटा, जीरो के साथ हम दोनों लेंगे प्लस माइनस फाइव, इसी प्रकार थ्री के साथ दोनों लेंगे प्लस फोर माइनस फोर, फिर माइनस थ्री के साथ दोनों लेंगे प्लस फोर माइनस फोर, फिर प्लस के फोर के साथ दोनों लेंगे थ्री और माइनस थ्री, फिर माइनस फोर के साथ दोनों लेंगे थ्री और माइनस थ्री, फिर फाइव के साथ लेंगे जीरो और माइनस फाइव के साथ भी लेंगे जीरो। तो इस प्रकार आपका ये रिलेशन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। तो बेटा इन सम को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्टली नोट दिस पॉइंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर फाइव एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एन, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बनेंगे सोचिए, एम एन बनेंगे ना, ये तो पता ना आपको भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने बनते हैं, ए में सपोज करो थ्री है, बी में टू है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिक्स बनते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हमने इसमें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, और रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, और टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, यदि आप फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा देखें, टू रेज टू पावर एन, यदि किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स बनते थे टू रेज टू पावर एन। तो बेटा इसमें भी वही मेथड ही, ध्यान से देखें, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट देख लीजिए। देखिए यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट देखें, मैंने एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर ओ लिया हुआ है, तो वो एम एन बने हमारे, क्योंकि इसमें एम एलिमेंट इसमें एन एलिमेंट हैं, तो टोटल सबसेट कितने बने, टू रेज टू पावर एम एन। तो यही तो रिलेशन है, रिलेशन भी तो सबसेट ही तो है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, टू रेज टू पावर एम एन, ये चीज नोट कर लेना। अब ये थर्ड पार्ट देखना एक बार, नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है टू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है फाइव, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, टू रेज टू पावर टेन। टेन कैसे आया, इसमें टू एलिमेंट्स इसमें फाइव, तो टू फाइव जा टेन, टू रेज टू पावर टेन कितना होता है, वन जीरो टू फोर। यदि टू को हम टेन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वन जीरो टू फोर आएगा, टू रेज टू पावर टेन भी आप यहां तक छोड़ सकते हैं। क्लियर है आपको, ये बिल्कुल ही जिसम है ना। इसके बाद देखना है बेटा, फर्स्ट पार्ट देखना, ए में एलिमेंट है वन टू और बी में है थ्री फोर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए टू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी टू, तो कितने बनेंगे बेटा हमारे इसमें सबसेट, सॉरी रिलेशंस, रिलेशन में सबसेट से होते हैं ना। पहले एलिमेंट्स देख लीजिए, ए कार्टेशियन बी में कितने बने, टू मल्टीप्लाई टू फोर, तो टोटल ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, टू रेज टू पावर फोर यानी सिक्सटीन। इसमें देखना बेटा ध्यान से, इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में देखो,
यहाँ करा दूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने बनेंगे, 3 एक्स वाई जेड है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2। इसमें 3 एलिमेंट्स है बेटा, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यही करा दो देता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2^2, सोचो 6। कैसे आया, 3 × 2 = 6, यानी mn। क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला, 2^2 mn। ये ना भी ध्यान रखे ना बेटे आप, ना ध्यान रहे तो आप इस बात को देखना भी, एक कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 2^2 ले लीजिए बस वो, तो 2^6 कितने बनेगा, 64। तो बेटा ये कुछ सम थे आपके जो रिलेशन से रिलेटेड थे, इनको अच्छी से प्रैक्टिस करना, घर पर रहना, स्वस्थ रहना। थैंक यू बेटा।